मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास का परसेंटेज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, किसी विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और वह 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बताइए कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो देखते हैं एक विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 45%। 45% तो बचे कितने होंगे इधर, 55%। तो मुझे बताइए इन दोनों का अंतर कितना है, 10%। यानी कि वो 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, 90 अंकों से। यानी 10 की वैल्यू कितनी है, 90। लेकिन 90 इक्वल में है 10 के, तो 100 के इक्वल में क्या होगा, 0 से 0। 90 का इंटू 10 में ये कितने होगा, 900। यानी कि इस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, 900। सेकंड क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया तथा दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, मुझे बताइए आप। ये पहला विद्यार्थी है और ये सेकंड वाला विद्यार्थी है। पहले विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 15 अंकों से। तो ये अनुत्तीर्ण रहा कितने अंकों से, 15 अंकों। तो मैं इसको 15 अंक बोनस दे दिया मैंने, कितने होगा ये, पास हो गए आप। ठीक है, फिर अगला विद्यार्थी कितने, 45% अंक प्राप्त कर रहा था, तो हमने इसको और कितने अधिक अंक लेके आ रहा था, 25। तो मैंने इसको 25 माइनस कर दिया, यानी कि ये दोनों अब इक्वल है। ये भी पासिंग की बाउंड्री पर है और ये भी पासिंग की बाउंड्री पर है। तो मुझे ये बताइए परसेंट और परसेंट का अंतर देगा कितना मिला, 10%। और 15 और 25 का अंतर देखा कितना आया, 40। यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है, 40। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0। 40 का इंटू 10 में ये कितने होगा, 400। यानी कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, 400। तो मुझे बताइए, मेरे पास 100 रुपये है, एक 15 प्लस में यानी कि 115 हो गए, एक 15 सॉरी 25 माइनस में यानी कि 75 हो गए। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 40।
40 है, तो इसी प्रकार एक माइनस में और एक प्लस में होती, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं दोनों का अंतर मिल जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वह पासिंग अंक से 22 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक कितना है? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये पहला विद्यार्थी है और ये सेकंड वाला विद्यार्थी है। पहला विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त कर रहा है और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर रहा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन कि पहला विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 18 अंकों से। तो मैंने इसको प्लस कर दिया 18, अब ये बिल्कुल पासिंग की बाउंड्री पर है। फिर बोला गया है कि एक दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और कितने अधिक अंक लेकर आ रहा? 22। तो मैंने इसको माइनस कर दिया 22। तो ये भी बिल्कुल पासिंग की बाउंड्री पर और ये भी बिल्कुल पासिंग की बाउंड्री पर, अब दोनों क्या है? इक्वल है। अभी बोला था जस्ट जब भी एक प्लस में और एक माइनस में होती है दोनों का अंतर ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते। तो दोनों का अंतर अगर देखना है तो दोनों के क्या करेंगे? प्लस। तो 22 और 18 कितने होगा? 40। 30 और 40 का अंतर कितना है? 10%। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, 40 की वैल्यू कितनी है? 10%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो मुझे ये बताइए कि 18 अंकों की परसेंटेज क्या होगी? या फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है हमसे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं इस परीक्षा में, तो 40 / 10 और कितने अंक प्राप्त करा रहे? 30%। अब मुझे बताइए, ये तो फेल हुआ अभी तो, लेकिन इसमें क्या प्लस कर दूं कि पास हो जाए? 18 अंक प्लस कर दूं, पास हो जाए। तो 4 3 12 120, 120 में 18 प्लस किए कितने हो गए? 138। यानी कि इस परीक्षा में पासिंग अंक कितने थे? 138। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने 42% मत प्राप्त किए और वह 600 मतों से हार गया, तो चुनाव में कितने मतदाता थे? तो मुझे बताइए, एक ये उम्मीदवार है और सेकंड वाला ये उम्मीदवार होगा। तो पहले उम्मीदवार ने कितने परसेंट अंक मत प्राप्त किए? 42%। तो दूसरे ने कितने किए होंगे?
58%। तो मुझे बताइए ये 42% वाला इस 58% वाले से कितने से हार गया? 16%, सॉरी, हाँ 16% से हार गया। और बोला जा रहा है कि वोटों से कितने हारा? 600 वोटों से। कितने वोटों से? 600 वोटों से। यानी कि 16% की वैल्यू कितनी है? 600। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब भी अंक और परसेंटेज का कंपेयर करते तो परसेंटेज कहाँ आती है? नीचे आती है। तो 600 की वैल्यू कितनी है? 16। और इस चुनाव में टोटल कितने उम्मीदवार होंगे? 100%। तो 4 चुके 16, 4 से कितनी बार? 25 बार। 4 से इसमें कितनी बार? 150 बार। 150 को इंटू कर 25 में करोगे तो 25 जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, 25 पंजे 125, बचे कितने? 12। 25 एकम 25 और 12 कितने को? 37। यानी कि 3750 इस चुनाव में क्या थे? मतदाता थे। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार थे, एक ने 37% मत प्राप्त किए और वह 5760 मतों से पराजित हो जाता है। 7,660 मतों से पराजित हो जाता है। तो इस चुनाव में मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? कितने मतदाता थे? तो ये पहला उम्मीदवार है और ये सेकंड वाला उम्मीदवार है। पहला उम्मीदवार 37% मत प्राप्त कर रहा है, तो 100 में से अगर 37 गया तो बचे कितने यहाँ पे? 63। 63 बचे। तो मुझे बताइए ये वाला उम्मीदवार इस वाले उम्मीदवार से 26% से हार गया और वोटों से कितने से हारा? 6760 से। यानी कि अगर मैं बात करूं 6760 की वैल्यू कितनी है? 26%। कुल मतदाता निकालना है, कुल मतदाता कितने थे? 100%। तो 26 से ये कितनी बार? 26 बार। और 260 का इंटू अगर 100 में करोगे तो यानी कि 26 जीरो और 00 का इंटू करोगे कितने आएंगे? 26,000 इस मतदाता सूची में थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार उम्मीदवार थे, एक ने 54% मत प्राप्त करके वह 960 मतों से विजयी हुआ। तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? कितने मत प्राप्त किए? तो मुझे बताइए दोस्तों कि पहला उम्मीदवार ये और सेकंड वाला उम्मीदवार ये। तो पहले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए, 100 में से कितने प्राप्त किए? 54%। तो दूसरे उम्मीदवार ने 100 माइनस 54 कितने हो गए? 46%। तो मुझे बताइए ये वाला उम्मीदवार इस वाले उम्मीदवार से कितने से हार जीता?
8% से, और उधर वोटों से कितने से जीतता, 960 वोटों से। तो 960 की वैल्यू 8% है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 46%। तो 8 से काटा कितनी बार, 12 बार, 120 बार। 120 का इंटू करेंगे तो 0 के 0, 12 छंग 72 बचे कितने, 7, 12 चौक 48 और 7 कितने 55, यानी कि 5520 मत प्राप्त किए हारने वाले उम्मीदवार ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, और एक उम्मीदवार ने वेद मतों का 60% मत प्राप्त करके वह वह 1024 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, कितने मतदाता थे, पहला उम्मीदवार, सेकंड वाला उम्मीदवार। तो मुझे बताइए दोस्तों कि जो टोटल मतदाता होंगे 100% होंगे, और फिर बोला गया कि वेद मत, तो वेद मत कितने होगा, -10, यानी कि कितने 90 बचे, यानी कि वेद मतों की संख्या कितनी है, 90%। तो पहले उम्मीदवार ने 90 का कितना प्राप्त किया, 60%, परसेंटेज हटाया और अपॉन में 100 लगा। दूसरे उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए होंगे, 100 में से 60 का, तो बचे कितने, 40, 40% प्राप्त किए होंगे अपॉन में 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 9 छके 54 और 9 चौके 36। तो मुझे ये बताइए ये वाला उम्मीदवार इससे कितने परसेंट से जीता, तो 14 ही है, और 4 ये कितने हो गए, 18, यानी कि 18%, 18% की वैल्यू कितनी है, 1024, यानी कि 1024 की वैल्यू 18% है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से काटा 9 बार और 2 से काटा 50 बार, 9 से काटा 9 एकम 9 बचे कितने, 1, फिर 9 एकम 9 बचे कितने, 3, यानी कि जान ही रहा, तो ठीक है, तो 50 का इंटू के 0 की 0, 5 चौके 20 बचे कितने, 2, 5 फिर 2 के 2 और 5 एकम 5 अपॉन में कितने 9, यानी कि इतने मतदाता सूची में इतने मतदाता थे। तो अगला क्वेश्चन, एक मिनट देखना, 1024 की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 100, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 50 बार, 0 की 0, 5 चौके 20 की 0 बचे कितने, 2, 5 दून 10 और 2 12 बचे कितने, 1, 5 एकम 5, सॉरी 0, 5 दून 5 चौके 20, 2, 5 दून 10, 2 22, 10 दो 12 बचे 1,
कि एक का एक, पांच एकम पांच, अपॉन में नौ, सॉरी इतने मतदाता थे मतदाता सूची में। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, बीस परसेंट किराए पर तथा 10% भोजन पर और 5%, 5% टैक्स पर खर्च करता है, टैक्स पर खर्च करता है, इसके उपरांत उसके पास ₹13,000 बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी थी। तो और का मतलब होता है उसी का, तो मैंने मान लिया कि उसकी आय कितनी थी, 100%। बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% भोजन पर किया, सॉरी किराए पर किया, 10% किस पर किया, भोजन पर, और 5% किस पर किया, टैक्स पर। तो टोटल मिला के कितने होगा, 35%, यानी कि 100 में से अगर 35 माइनस होंगे तो बचेंगे कितने, 65%, यानी कि 65% की वैल्यू उनकी कितनी है, 13,000। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 65 दूने 130, यानी कि 200 का इंटू 100 में करेंगे तो कितने होंगे, 20,000, यानी कि उसकी आय कितनी थी, 20,000।